खोपड़ी एक है हाँ। खोपड़ी माँ मतभेद हाँ। और सबके खोपड़ी माँ देवता बसे इनके बसे परे। अरे गोविंदा भैया का भा यार, हमार जो कबरई बोकरी रही ना वह हेरा गए, लड़कवा दूध नहीं पाए, किलो किलो कर रहे हैं। ललकई गईवा हैरान है हाँ। चल हम तोर बोकरी ढूंढे तो माँ गाय ढूंढ। हाँ ठीक है। या का आया है? पता नहीं का आया। हमका लागत है नदिया किनारे वाली लंबी वाली ककरिया का झुरा। या हमका लागत है फिर मिंजिया झुरा गए है। ए, हमारे हाथ का है कहाँ पर? हमारो हाथ कहाँ पर है? जय माँ काली, लाल कृष्ण वाली। ये मूर्ख बच्चे कौन है जो इस तरह से हमारी कुटिया पर आ गए? इन्हें होश में लाओ। जय हो, जय हाथ कौन कमा चाली। जय माँ काली, जय कृष्ण। अरे हो जाओ, हम लोग प्राण है और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? हम आपका बराई बोकरी हरा गए हैं। और तू यहाँ क्या करने आया है? गुरुदेव हमार ललकईवा गाय हैरान है। नालायको, क्या तुम्हारी बकरी और गाय हमारी कुटिया के अंदर है? अगर मैं आ नहीं जाता तो तुम लोग बेमौत मारे जाते। जाओ चले जाओ और भूल कर दोबारा फिर कभी हमारी कुटिया के पास नजर नहीं आना। भाग। गुरुदेव कतो भैंसा मिली? भैंसा भैंसा ये क्या होगा? एक हमारा बकरी उठी है। हाँ। गले में नमक लगाने के लिए इंद्रेश, तूने अपने गुरूर में आकर अपने घमंड में आकर मेरा अपमान किया है। इंद्रेश तेरा गुरूर चूर चूर हो जाएगा, तेरा अहंकार सिर्फ मेरे कदमों में झुका होगा और एक दिन तू अपने किए पर पछताएगा। अगर ऐसा ना हुआ इंद्रेश, अगर ऐसा ना हुआ तो सोच ले कपाली तांत्रिक अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हो। अरे हे भैया, अरे हे भैया लड़का पढ़ाइला, अरे हे भैया लड़का पढ़ाइला, अब ना आई है परेशानी हे भैया।
माँ नमस्ते। लेकिन माँ मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मुझसे? बोलो बेटी, आखिर मुझसे क्या जानना चाहती हो? जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सुनिए। अरे माँ पिता आज मैं आए नहीं, आपको अवश्य बताऊंगी जी। और मोतीला मोहन से मोतीला बेटी। हाँ माँ। तुम्हारे पिताजी शिकार खेलने गए और काफी समय हो गया, अभी तक लौट कर वापस नहीं आए, ना जाने किस मुसीबत में पड़े हैं। हाँ माँ। लेकिन चिंता मत करो बेटी, आओ बैठो, थोड़ी देर इंतजार करो। अगर थोड़ी देर में तुम्हारे पिताजी नहीं आते हैं तो मैं नौकरों को भेज कर तुम्हारे पिताजी को पता लगाऊंगी बेटी। सदा सौभाग्यवती रहो प्रिय। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते मीनाक्षी। और पिताजी आप क्या बात है? देर कहाँ पे लगा दिया हम शिकार खेलने में? हमें थोड़ा विलंब क्या हुआ? हमारी महारानी भी परेशान और हमारी बेटी भी परेशान। क्यों स्वामी? मुझे आप भले थोड़ा विलंब हुआ है, 24 घंटे बाद वापस आया हूँ, लेकिन प्रिय देखो आज मैं आपके लिए ऐसा नायाब तोहफा लाया हूं जिसे देखकर आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। प्रिय स्वामी। हाँ प्रिय पल्लवी।
क्या लेकर आए हैं आप मेरे लिए? प्रिय पल्लवी कहीं सुन तो प्राणयुत पल्लवी मेरी प्राण पल्लवे ये पारसमणी दिव्य पारसमणी है जो दैवी शक्तियों से परिपूर्ण है। ये मैं आपके लिए तोहफा स्वरूप लाया हूं, आप इसे ले। क्या हुआ प्रिय पल्लवी? स्वामी इस पारसमणी को आज मैं पहली बार देख रही हूँ। सिर्फ मैंने पारसमणि का नाम सुना था स्वामी। प्रिय क्या बात है स्वामी, ऐसी अद्भुत मणि हमने भी अपने जीवन में पहली बार देखी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये पारसमणि अगर हमारे इस उज्जैन राज्य में रहेगी तो हमारे बहुत काम आएगी। लेकिन स्वामी आप पियामान शिकार खेलने गए थे, ये पारसमणि आपको कहां से मिल गई? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पारसमणि को आप किसी से छीन कर लाए हैं स्वामी। प्रिय आप हमारी महारानी हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि राजनीति कूटनीति के बावजूद राजा के पास एक अलग ही शक्ति होती है और वो होती है उसकी महत्वाकांक्षा। अगर कोई भी वस्तु उसे पसंद आ जाती है तो प्रिय वो उसे साम दाम दंड नीत किसी भी तरीके से हासिल अवश्य करता है। ठीक है स्वामी, अगर आप इस पारसमणि को मेरे लिए लाही तो मैं इसे अपने जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। हाँ प्रिय अद्भुत मणि को आप अपने पास सुरक्षित रखना और इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी मत देना। मैं बोली लेकिन स्वामी चलिए आप अभी शिकार खेल कर रहा हूं, शयन कक्ष में चलिए और आराम करिए स्वामी। ठीक है प्रिय हम थोड़ा विश्राम करते हैं और उसके बाद फिर आगे की योजनाओं के बारे में सोचते हैं। चलिए स्वामी राम सिंह जय हुजूर, एक बात मेरी सुनो। जय हुजूर, मेरे हृदय के अंदर हाँ कोई इच्छा हो रही है। क्या हुजूर? क्या आज हम अपने उज्जैन नगर राज्य का भ्रमण करें, हाँ अपनी प्रजा को देखें। हाँ हुजूर, और प्रजा को देखते हुए हाँ जो हमारा चंदन बाग है, हाँ हुजूर उस चंदन बाग की सैर करें। अच्छी बात है हुजूर, तो जाओ हाँ जाकर देखो वहां मंत्री भवानी सिंह कहाँ हैं, हाँ उनसे कहो जी कि तुम्हें महाराज ने हाँ राज दरबार में बुलाया। अवश्य हुजूर।
जोर में याद किया। क्या बात है भवानी सिंह, हमारे हृदय में यह इच्छा जागृत हो रही है कि आज चलकर अपनी प्रजा को जरा नजदीक से देखे, यानी प्रजा के बारे में कुछ जानकारी ले, और प्रजा को देखते हुए जो अपना चंदन बाग है उस चंदन बाग की सैर करने की इच्छा है। लेकिन भाजन, अगर इस तरीके से हम अपनी प्रजा की तरफ चलेंगे तो हमारी प्रजा तो हमें पहचान जाएगी राजन। तो जहां तक हमारी सोच है कि अगर हम अपना सेठ का भेष बना करके चले, यानी कि सौदागर बन के चले, तो हमारी उज्जैन की प्रजा पहचान नहीं पाएगी और हम देखेंगे कि हमारी प्रजा सुख में रह रही है या कि दुख में रह रही है। सही कहते हो भवानी सिंह, अगर हम राजा के भेष में और आप मंत्री के भेष में चलेंगे तो अच्छा नहीं है। आपका मसूरा सही है, हम अपना भेष बदल कर ही प्रजा के बीच में चलते हैं और प्रजा के सुख दुख की जानकारी लेकर चंदन बाग की सैर करते हैं। तो चले राम सिंह, तुम महल की देखभाल करना, हम लोग बहुत जल्द वापस आएंगे। उज्जैन जाना है और रास्ता नहीं मालूम, मालिक मेरे बच्चों की रक्षा करना और मेरी भी मदद करना। अब तेरे सिवा इस दुनिया मेरा कौन है। मेरी सोल किस्मत जगा दीजिए, मेरी सोल किस्मत जगा दीजिए, मदीने में आता बुलाती ये मैं क्या देख रहा हूं कि एक नौजवान हमारी कुटिया की तरफ बढ़ता हुआ चला रहा है। हो सकता है कि ये नौजवान भी मेरे साथ धोखा करने के लिए आ रहा है, इसलिए मैं इसे ऐसे न जाने दूंगा। मैं अपने महाकाल को बुलाऊंगा और उसे बेहोश करके अपनी कुटिया पर बुलाऊंगा। इसके विषय में जानकारी करूंगा क्योंकि मानव पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। कमरू कमा चली चाय माताली महाकाल प्रकट हो।
लगता है महाकाल मांस खाकर आराम से सो रहा है, मेरे आहन का उसका कोई असर नहीं पड़ा है। चल कर